नमस्ते, आज मैं वात्सल्य भदौरिया और मैं श्रेयस तिवारी आपके समक्ष प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जिसमें हमने किसानों के लिए एक ऐप का निर्माण किया है। तो चलिए बिना कोई विलंब किए हम अपनी ऐप प्रस्तुत करते हैं। तो जैसा कि आप हमारी ऐप के प्रमुख स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला है योजनाएं। चलिए इसे दबाकर देखते हैं क्या है। तो हमें सबसे पहली महत्वपूर्ण योजना देखने के लिए मिलती है, जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए इसको दबाकर देखते हैं क्या है। तो इसमें हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिचय, उसके कुछ उद्देश्य और उसका एक फॉर्म मिल देखने के लिए मिल जाता है, जिसे हम उसके लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। दूसरी योजना हमें देखने को मिल जाती है, वो है ग्रामीण भंडारण योजना। इस योजना में ये दिया हुआ है कि ग्रामीण भंडारण योजना क्या है, इसके तीन मुख्य उद्देश्य, इसके पात्र यानी कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, सब्सिडी के नियम और कुछ शर्तें हैं जो आपको मानना अवश्य जरूरी है। चलिए वापस चलते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण योजना है पशु बीमा योजना। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें उसका परिचय देखने के लिए मिल जाता है, फिर उसके विशेषताएं कुछ, उसके बाद हमें योजना का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया देखने के मिल जाती है, और फिर हमें पशु बीमा योजना का प्रीमियम कैसे भर सकते हैं उसका भी पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो चलिए वापस चलते हैं। फिर जो चौथी हमारी योजना है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें सबसे पहले तो इसका परिचय दिया हुआ है, फिर इसके कुछ उद्देश्य और इसका आयोजन एवं कार्यवर्तन। चलिए वापस चलते हैं। तो पांचवी और महत्वपूर्ण योजना है कुसुम योजना। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या है। तो हमें इसमें के लिए देखने के लिए मिल जाता है कि कैसे कोई इस योजना का लाभ उठा सकता है और उसका कैसे योजना के उद्देश्य क्या है और सरकार इसकी इस योजना की क्या तैयारी कर रही है और फ्यूचर में उसकी क्या तैयारी करेगी, और इसके कुछ फायदे भी दिए गए हैं और लक्ष्य और इसके विकल्प भी दे रखे हैं, जो आप पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं योजना क्या है। और इससे बिजली की बचत, डीजल पंप का भी सुरक्षण करना अनिवार्य हो चुका है। तो चलिए वापस चलते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का सबसे पहले तो आपको परिचय देखने को मिल जाएगा, उसके बाद इस योजना के लाभ, फिर अगर बीच में आपने स्कीम छोड़ी तो इसका क्या परिणाम होगा, आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और निम्नलिखित किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए वापस चलते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें हमें कुछ प्रक्रिया देखने के लिए मिल जाता है, और हमें वेबसाइट के जरिए घर बैठे फॉर्म डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए डाउनलोड के सीसी फॉर्म को क्लिक करते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्ट क्रोम पे हेड कर लेगा और उस वेबसाइट पे जाके आप जाके डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। ये वेबसाइट है। तो चलिए बैक बटन दबाकर वापस चलते हैं। इस योजना के तहत आपको केवाईसी की कोई झंझट नहीं लेनी पड़ती है। इसी लोन की जानकारी भी देना जरूरी हो चुका है इस किसान को, और 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर करना इसका योग्य पात्र है, और घरेलू जरूरतों के लिए 10% धनराशि खर्च करने का भी इसमें आवेदन है। तो चलिए वापस चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना में सबसे पहले हमें ये देखने को मिल जाता है कि क्या है परंपरागत कृषि विकास योजना और कैसे काम करेगी ये योजना, फिर इस योजना की कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिल जाती हैं, और इसके अंतर्गत जैविक खेती क्या है, इसमें भी 3 पॉइंट हमको मिल जाते हैं। चलिए वापस चलते हैं।
तो अगली महत्वपूर्ण योजना है डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम। तो चलिए इसको दबाकर देखते हैं क्या है। तो हमें इसमें इसकी प्रक्रिया देखने के लिए मिल जाती है, उसके बाद इसकी उद्देश्य और कौन कौन फार्मिंग नाबार्ड सब्सिडी योग्यता ले सकते हैं, कुछ जरूरी बातें और लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम में, उसके बाद इन कामों के लिए मिल सकता है लोन और हम डाउनलोड फॉर्म पे को दबाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको दबाते हैं। तो ये आपको पूरी पीडीएफ पे ले जाएगा जहां से आपको अच्छे से पढ़कर, अच्छे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर आप फॉर्म ऊपर था उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में हमें इसका परिचय मिल जाता है, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य मिल जाते हैं, इसका क्या लाभ है, इसकी पात्रता, इसके लिए जरूरी दस्तावेज और इसके आवेदन कैसे कर सकते हैं। साथ ही इसके नीचे एक ऑफिशियल साइट पे जाने के लिए एक बटन दिया हुआ है जिसे आप दबाकर ऑफिशियल साइट के पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसे दबाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम गूगल में रीडायरेक्ट हो गए हैं इस लिंक पर। तो ये रही वो ऑफिशियल लिंक। चलिए वापस चलते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण योजना है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसे दबाकर हम देखते हैं क्या है। हमें इसका परिचय देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, यानी इसका क्या मूल्य कान होगा फ्यूचर में, ये सब दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आपको उद्देश्य और कहाँ से आप मिशन के कार्यात्मक क्षेत्र है वो सब प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट का बटन देखने को मिल जाता है जिसे दबाकर हम ऑफिशियल साइट पर हेड हो जाएंगे। तो चलिए इसे दबाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट पर लिंक जा चुका है। यहाँ से आप अच्छे से हर एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो हमने अपनी ऐप में डाल रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं। अगली योजना है रेनफेड एरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें बताया गया है कि ये योजना क्या है, रेनफेड एरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लक्ष्य और उद्देश्य, इसका व्यापक उद्देश्य क्या है, इसकी रणनीति, इसकी केंद्रता निम्नलिखित है और इसमें क्षेत्र का चयन नीचे निम्नलिखित है। चलिए वापस चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। चलिए इसे दोबारा देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें हमें सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की परिचय और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या 2021 का हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तीन साल के स्पैन में तो इसे देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। हम इस योजना की स्क्रीन से वापस चलते हैं। अगला बटन जो हमें मेन स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या ई नाम। तो चलिए इस पे चलते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो इसका परिचय दिया हुआ है, फिर बताया गया है कि ई नाम क्या है और इसका लक्ष्य क्या है, ये मार्केट कैसा है, कैसे काम करता है ये मार्केट और कितनी फंडिंग है, इसके कुछ लाभ और कैसे, सबसे महत्वपूर्ण, आप इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और हमने इसमें यह भी डाल रखा है कि ये अवश्य क्यों है। चलिए वापस चलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चरण है कृषि बिल यानी फार्मर्स लॉ। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि मौजूदा किसान संघर्ष की पृष्ठभूमि, जो कितना संघर्ष करके अपनी
खेती करते हैं और उनको कम ब्याज पर बहुत सारी चीजें मिलती है। उसके बाद हमें संसद में पारित कृषि विधेयक यानी 3 कृषि कानून का अच्छे से उल्लेखन किया हुआ है, जिससे किसान पर का अच्छे से तीनों कानून का नॉलेज रख सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप कैसे क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगला बटन हमें देखने को मिल जाता है, वो है फसलों के प्रकार। चलिए इस बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक फसलों की परिभाषा मिल जाती है कि फसलें असल में होती क्या हैं, जिन्हें हम फसलें कहते हैं, और फिर फसलों के हमें प्रकार देखने को मिल जाते हैं। तो फसलों के मुख्य मुख्य 3 प्रकार होते हैं जो भारत में उगते हैं। सबसे पहली है खरीफ की फसलें, फिर आती हैं हमारी रबी की फसलें, और फिर इन दोनों के खरीफ और रबी की फसलों के बीच आती हैं हमारी जैद फसलें। चलिए वापस चलते हैं मेन स्क्रीन पर। अब 5वां मुख्य चरण है कृषि पद्धतियां। तो चलिए इसे दबाकर हम देखते हैं क्या है। तो हमें कृषि पद्धतियों से संबंधित एक अच्छा सा उल्लेख देखने के लिए मिलता है, जैसा कि कृषि पद्धतियां 13 मुख्य चरण में होते हैं। तो सबसे पहला है पड़ती जमीन, दूसरा है फसल का चक्रीकरण, तीसरा है मिश्रित कृषि, चौथा है द्विफसल कृषि, पांचवा है बहु कृषि, छठा है जीवन निर्वाह यानी चलवासी चरवाही, छठा है पशु फार्म कृषि, सातवां है झूमिंग अथवा चलवासी कृषि, आठवां है गहन जीवन निर्वाह कृषि, नौवां है बागनी कृषि, दसवां है विस्तृत कृषि, 11वां है डेयरी फार्मिंग, और बस इतने ही। तो चलिए वापस चलते हैं। इसके बाद हमें किसान उपकरण वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 15 अलग अलग प्रकार के किसानों के उपकरण जो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं खेती करने के लिए, वो हमने डाल रखे हैं, और साथ ही साथ इनके कुछ चित्र भी डाल रखे हैं। तो चलिए इन सबको आप देख के आराम से वापस जा सकते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। तो 8वां है खेती से जुड़े कदम, कि हमें खेती से जुड़े कदम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य स्टेप होता है टिलेज, यानी इसको जुताई। इसको हम मिट्टी पलटने वाले हल यानी चित्र में देख सकते हैं, उससे किया जाता है। उसका हेरोइंग, उसके बाद हेरोइंग होता है, उसके बाद समल्टीकरण, उसके बाद बीजों की चयन होती है स्टेप 1 में। तो दूसरा स्टेप है बुआई यानी सोइंग। इसमें 2 प्रक्रिया होती हैं, पहला सीधे खेत में बोना, दूसरा नर्सरी से पौधा रोपण द्वारा। इसमें कुछ मुख्य चित्र दिए गए हुए हैं सोइंग गाय भैंसों के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा। और फिर सीधे खेत में बीज बोने के मुख्य विधियां दे रखे हैं। तीसरा स्टेप है मैन्योरिंग यानी खाद डालना। चौथा है सिंचाई यानी इरिगेशन। इसमें सिंचाई के विधियां भी दे रखी हैं, जिसे आप फॉलो करके अच्छे से अपने क्रॉप्स उगा सकते हैं। पांचवा स्टेप है निंदाई यानी इंटरकल्चरल। इसमें इसका पूरा परिचय दिया गया है, इसे आप पढ़कर अच्छे से अपनी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चौथा स्टेप है फसल की रक्षा यानी प्लांट प्रोटेक्शन, जो बहुत मुख्य पॉइंट है। इसमें दे रखा है कोई संक्षिप्त टिप्पणी में कि आप अपनी कैसे अपनी फसल को कीड़े मकौड़ों से बचा सकते हैं। स्टेप 7 है फसल की कटाई यानी हार्वेस्टिंग। इसमें इसकी पूरी टिप्पणी दे रखी है, जिसे आप पढ़कर अच्छे से अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। 8वां स्टेप है भंडारण यानी स्टोरेज।
इसमें भी आपको पूरी परिचय दे रखा है जिसे पढ़कर आराम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में है फसलों में सुधार के उपाय, इसे भी पढ़कर आप अच्छे से अपनी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के अधिक जनसंख्या से कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। इसके बाद हमें फसल सुरक्षा वाला बटन में देखने को मिल जाता है। तो जैसा अभी वात्सल्या ने बताया कि छठवां पॉइंट खेती से जुड़े हुए कदम में फसल सुरक्षा ही था, तो हमने सोचा कि हम इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुख्य बात है। तो इसमें हमें दो सब बटन देखने को मिल जाते हैं। पहला है कीटनाशक। तो कीटनाशक का सबसे पहले तो हमें इसका अर्थ देखने को मिला है, फिर इसके कितने प्रकार होते हैं और इनके प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है फिर यहाँ पे, और फिर इनके पेस्टिसाइड्स के हानियाँ और लाभ क्या क्या होती हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि मिट्टी की उर्वरता पर और उत्पादन पर पेस्टिसाइड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वापस चलते हैं हम मेन स्क्रीन पर। यहाँ पे फिर हमें फसल सुरक्षा में ही दूसरा सब बटन देखने को मिल जाता है, खरपतवार नाशी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो इसका अर्थ, फिर प्रकार, प्रभाव और फिर केमिकल्स यूज्ड टू डिक्रीज ग्रोथ ऑफ वीड्स, यानी रसायन जिनसे खरपतवार की वृद्धि रोकी जा सकती है, वो देखने को मिल जाते हैं। फिर हमें इसमें ये भी देखने को मिल जाता है कि हम मैनेजमेंट ऑफ वीड्स बाय सॉइल सोलराइजेशन क्या होता है, यानी मृदा सौरणीय के द्वारा खरपतवारों का प्रबंध या नियंत्रण कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद हमें अंत में खरपतवार नाशी का प्रभाव देखने को मिल जाता है। चलिए वापस चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। तो सबसे आखिरी में है किसान हेल्पलाइन नंबर, जिसे आप दबाकर डायरेक्ट अपने फोन के डायल पैड में किसान हेल्पलाइन नंबर के साथ देखकर जा सकते हैं। चलिए फोन मिलाते हैं। श्रेयस, मैं आपसे अनुरोध किया करना चाहता हूँ कि आप फोन करें। हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसान कॉल सेंटर का ही नंबर था इमरजेंसी सर्विसेज, इसमें किसान अपने फोन करके देख सकते हैं कि अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी फसल कैसी है, उनको क्या प्रिवेंशन करना। आशा करते हैं कि आपको हमारी ऐप अच्छी लगी हो। धन्यवाद। आशा है कि आप स्वस्थ रहें।